बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या आप यूरोप में लीगली तरीके से आना चाहते हो और क्या आप एक बेहतर फ्यूचर की तलाश में हो और क्या आप एक स्टूडेंट हो, अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसे मौजू के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और मैंने इस वीडियो के लिए एक छोटा सा रिसर्च भी किया है और रिसर्च को एक पावर पॉइंट की शक्ल में तब्दील किया है। तो आइए देखते हैं कि ये एक कौन सा मौजू है और आपके लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जी हाँ, इस वीडियो का मौजू है कि आप किस तरह से अपना पढ़ाई डेनमार्क में शुरू करना चाहते हो। तो ये जो स्टडी प्रोग्राम है, ये सिर्फ और सिर्फ बैचलर और मास्टर प्रोग्राम के बारे में बात करना चाहता हूँ। और इस सवाल को जवाब देने के लिए मैंने दो सवाल बनाए हैं, मतलब कि आप किस वजह से डेनमार्क में स्टडी करें और कैसे स्टडी कर सकते हो। अगर पहले सवाल पर आ जाए तो कि कौन सी वजह है जो आप डेनमार्क में अपना पढ़ाई या काम शुरू कर सकते हो। नंबर वन जो है, ये एक यूरोपियन कंट्रीज़ है और यहाँ के लोग बहुत ही खुश और सेटिस्फाइड लोग हैं, और डेनमार्क जो है पीसफुल कंट्री है। उसके बाद आता है कि यहाँ पर वर्क अपॉर्चुनिटी और स्टडी अपॉर्चुनिटी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड शुमार हो सकता है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से देख लें तो यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है अंडर 2% है, और यहाँ पर आप मुफ्त में स्टडी कर सकते हो। अगर आपका PR है, असाइलम सीकर हो या फिर डेनिश सिटीज़न हो, और आपको मुफ्त पढ़ाई भी मिलेगी कि अगर आप डेनिश स्कॉलरशिप रिसीव किया है। और उसके बाद अगर आप जो है, जैसे कि मैंने बताया, PR आपके पास है, परमानेंट रेजिडेंट, असाइलम सीकर हो या डेनिश सिटीज़न हो, तो यहाँ पर आपको पढ़ाई के लिए पैसे भी मिलेगा, तकरीबन 5,000 डेनिश क्रोन होगा, जो कि आप इस वेबसाइट में देख सकते हो कि यह इसकी हकीकत कितनी है। और उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट्स पर आ जाए तो यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन द यूरोप है, और इसके अलावा बहुत से वेलफेयर सिस्टम्स हैं जो कि आप बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे, और इसी वजह से यहाँ के लोग भी बहुत ही हैप्पी लोगों में शुमार हो सकता है। 2021-22-23 में डेनमार्क हैव बीन वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो इस वजह से आपको डेनमार्क में आना चाहिए और अपना स्टडी करना चाहिए। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर देख ले, 2016 में डेनमार्क नंबर 3 पर रह चुके हैं। मेरे पास नया इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो इसलिए मैंने 2016 का यहाँ पर आपके लिए रखा है। अगर आप 2024 के बारे में बताएंगे तो ये गालिबा नंबर 5-6 से नीचे नहीं होगा, क्योंकि ये लोग एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर आप अपने दूसरे सवाल पर आ जाए कि आप किस तरह से यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने 5 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ चुना है आपके लिए। ये कोपेनहेगन यूनिवर्सिटीज़ बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के हिसाब से होगा नंबर वन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क। उसके बाद आता है DTU यूनिवर्सिटी, जो कि टेक्निकल कोर्सेज वगैरह है, इंजीनियरिंग कोर्सेज भी इसमें शामिल है। ऑगस्ट यूनिवर्सिटीज़ नंबर 3 में होगा, जो कि इंजीनियरिंग और टेक्निकल होगा। STU हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में होगा, और इसमें भी इंजीनियरिंग वगैरह शामिल है। और ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी, जो कि नंबर 5 पर है, वन ऑफ द 5 बेस्ट यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क, ये भी बहुत सी ऐसे कोर्सेज इनमें है जो आप आसानी से चूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में और इस पावर पॉइंट में मैंने हर यूनिवर्सिटीज़ का लिंक दिया है, तो आप अपने रिसर्च के लिए इस लिंक को यूज़ कर सकते हो, या कि फिर अपना ईमेल जो है इस वीडियो के नीचे कॉन्टैक्ट सेक्शन में रख सकते हो, ताकि मैं आपके लिए ये सारा पावर पॉइंट आपके लिए भेजूँ और मज़ीद इंफॉर्मेशन दे दूँ। अच्छा, इन यूनिवर्सिटीज़ को मैंने जो है मैप में रखा है, ताकि आप कंसिडर करें कि डेनमार्क के किस हिस्से पर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वाक़ है, ताकि आपको यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए आसानी हो जाए। अगर आप देख लें डेनमार्क के नक्शे को, तो डेनमार्क जो है 5 रीजन में शामिल है। यहाँ पर जो है कैपिटल रीजन है, फिर उसके बाद जो है शियलन रीजन है, फिर उसके बाद जो है साउथर्न रीजन, मिडल रीजन और नॉर्थ रीजन। और अगर आप यूनिवर्सिटी को देख लें तो यहाँ पर ऑलबॉर्ग यूनिवर्सिटी जो है नॉर्थ रीजन में है, ऑगस यूनिवर्सिटी जो है मिडल रीजन में है, फिर उसके बाद एचटीयू साउथर्न यूनिवर्सिटी यहाँ पर है और बाकी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर है कैपिटल में, जो कि कोपेनहेगन यहाँ पर और डीटीयू यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। ये जो आखिरी यूनिवर्सिटी, इसका नाम है रोस्किलर यूनिवर्सिटी, मगर ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल नहीं है, इसलिए मैंने इसका नाम मेंशन नहीं किया है। अच्छा, इस सवाल के बाद हम आते हैं कि आप किस तरह से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, या कि किस तरह से अपना स्टडी शुरू कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रोसेस मेंशन किया है, जो कि यहाँ पर आते हैं। मतलब कि आप नंबर एक जो है एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर लें और उसमें देख लें कौन कौन सा कोर्सेज शामिल है, क्या आपकी कोर्सेज जो है उस यूनिवर्सिटीज़ में है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि मतलब इन एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है। ये जो है आप यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पर भी देख सकते हो, या फिर studyindenmark.dk के लिंक पर भी देख सकते हो। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज स्किल। आपको ऐसा कोर्सेज चूज़ करना पड़ेगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, क्योंकि उससे आपके लिए आसानी होगा, क्योंकि डेन्स जो है डेनिश और इंग्लिश स्पीक करते हैं और इनको कोई दिक्कत नहीं है कि इंग्लिश में बात करें, इन्हें इंग्लिश आती है, मगर ये लोग नॉर्मली डेनिश में ही बात करते हैं। उसके बाद आपने अपने फीस को मद्देनज़र रखना है। और बहुत डेनमार्क में एक ऐसा अच्छा प्रोसेस है जो कि किसी भी कंट्रीज़ में नहीं है, कि अगर जब भी आपने अपना बैचलर या मास्टर अप्लाई करना है, तो ये आपको स्कॉलरशिप के अंडर कंसीडर करेगा। मतलब कि अगर आपने अपना एप्लीकेशन भेजा है किसी भी यूनिवर्सिटी को, तो ये आपको देखेगा कि आप स्कॉलरशिप के हकदार है या नहीं, क्योंकि इन्हें यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप इशू होता है, जो कि ये लोग स्टूडेंट को देते हैं। मगर ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट के लिए है जो कि बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए हर यूनिवर्सिटीज़ के पास साल में 2 या 3 से ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं होते। मगर आप उन टैलेंटेड स्टूडेंट में से हो, तो आपको मुफ्त में स्टडी मिलेगा डेनमार्क में। उसके बाद आते हैं कि आप किस तरह से अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने एक लिंक डाला है, मगर मैंने इसे अगर आप आ जाए यहाँ पर देख ले, तो ये जो वेबसाइट मैंने मेंशन किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से इंफॉर्मेशन मिलता है आप जो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी उनके वेबसाइट्स वगैरह है कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर बहुत से ऐसे इंफॉर्मेशन है कि आपको अपने ख्याल में रखना चाहिए। तो अगर आप देख लें कि यहाँ पर लिखा है कि बिफोर अप्लाई जनरली एंट्री रिक्वायरमेंट, स्पेशली एंट्री रिक्वायरमेंट, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, द एप्लीकेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, एप्लीकेशन डेडलाइंस, यहाँ पर जो डेडलाइंस है आप किस तरह से, और यहाँ पर यूजफुल लिंक्स, मतलब कि आप यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हो। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, तो यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स पर आप देख सकते हैं कि ये लोग ट्यूशन फीस के बारे में भी होगा कि आप किस तरह से स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली आपको अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, मतलब कि आप ये खुद कंसिडर करेंगे, मगर फिर भी आप अपने एप्लीकेशन में लिख सकते हो कि आपको अगर कोई ऐसी दिक्कत है कि आप फीस नहीं पे नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको अपने ख्याल में रखना चाहिए। और जब आपने अप्लाई किए और आपका पॉजिटिव आंसर आया, तो आपने गूगल से जाके किसी भी इंश्योरेंस से अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है, और उसके बाद वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। और स्टूडेंट वीज़े की फ़ीस भी है, बहुत ही कम है, और उसको यहाँ पर आप लिंक में देख सकते हो कि किस तरह पूरा प्रोसेस है। और आपने स्टूडेंट वीज़ा उस जब आपको यूनिवर्सिटी में जगह मिलेगी, आपकी यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट होगी, तो आपने अप्लाई करना है, उससे पहले नहीं। और उसके बाद आपने अपने रहने के लिए जगह ढूंढना है, ये आप
नॉर्मली यूनिवर्सिटी से हेल्प लेते हो या कि फिर वहाँ की कम्युनिटी से इंफॉर्मेशन रिसर्च करके अपना जगह ढूंढने की कोशिश करते हो। और आखिर में ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वाकई स्टडी वीज़े में इंटरेस्ट है, डेनमार्क में रहने के लिए इंटरेस्ट है, तो आप मुझसे यहाँ पर इस एड्रेस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका जो कोई क्वेश्चन है जो कि 10 मिनट से कम है तो आपको फ्रीली में अवेलेबल हो, और अगर उससे भी ज़्यादा है तो यहाँ पर मैंने कुछ चार्जेस लगाए हैं जिससे आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपना जो रिसर्च है और अपने इंटरेस्ट के लिए, स्टडी के लिए डेनमार्क में आने के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हो बगैर किसी माइग्रेशन एजेंट के, जो कि उनका फीस भी बहुत ही ज़्यादा है और आपको वही इंफॉर्मेशन देगा जो कि नॉर्मली इन वेबसाइट्स वगैरह में है जो कि मैंने बताया। और मेरे पास भी उतना ही नॉलेज है जितना एक माइग्रेशन एजेंट के पास है। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिला है और आप से लुत्फ़अंदोज़ हो। और अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अल्लाह हाफ़िज़।